कथाकार आपकी कहानी हमारी जबानी। यस, इफ यू हैव अ स्टोरी वी विल नरेट इट टू द वर्ल्ड। द नरेटर्स इंडिया, कलाक्षेत्र ग्लोबल, सैट नाइन इंडिया एंड रिवर्स पब्लिकेशन प्रेजेंट्स कथाकार आपकी कहानी हमारी जबानी। आपके किरदार और हम बने हिस्सेदार। और आज की कथाकारा हैं निशा लूथरा, जो पढ़ने जा रही हैं अलका कांसरा की लिखी ये कहानी जिसका नाम है घर वापसी। रफ्तार से दौड़ रही जिंदगी, कई अनुभव, कई यादें जमा होती जाती हैं मन की गुल्लक में। कभी कोई हवा का झोंका, कभी मोगरे की खुशबू, कभी बरसने को तैयार बादल, तो कभी किसी गाने की धुन खोल देती है यादों की गुल्लक। आज भी न जाने कैसे खुल गई मन की गुल्लक और याद आ गया वृद्ध आश्रम जहां मैं कई साल जाया करती थी। पहली बार जब वहां गई तो मालूम नहीं था कि क्या करना है। सीधा मैनेजर के पास गई तो वो बोले, आप खुद ही देख लीजिए क्या करना है, हम तो सब कुछ कर ही रहे हैं। जानती थी कि यहां सर पर छत के साथ साथ तीन वक्त का खाना, दो वक्त की चाय और साल में दो जोड़ी सर्दी के कपड़े और दो जोड़ी गर्मी के कपड़े तो दिए ही जाते हैं। तीज त्योहार पर कुछ और भी मिल जाता था, पर ये काफी था क्या खुश रहने के लिए? यही जान लेना चाहती थी मैं भी जल्दी उन बुजुर्गों को मिलने। दो ब्लॉक में बटा आश्रम, एक में पुरुष और दूसरे में महिलाएं, बीच में सुंदर लॉन और चारों ओर कमरे, आगे खुला लॉन और पीछे किचन गार्डन जहां सब्जियां उगाई जाती थी। कमरों के बाहर बरामदा जिसमें हर कमरे के आगे कोई कुर्सी रखी थी या फोल्डिंग बेड बिछा था। हर कमरे में दो वृद्ध रह सकते थे। कई लोग अपने अपने कमरे के बाहर बैठे थे पर कोई बातचीत नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा था पर एक वीरानगी सी छाई थी सब और, इसे ही दूर करने की शायद जरूरत थी। उस दिन तो सबके साथ दुआ सलाम ही हो पाई बस। आश्रम में अंदर आते ही सामने चौधरी साहब का कमरा था। अकेले ही रहते थे कमरे में, पुराने रह रहे थे, 80 के आसपास उम्र रही होगी। अक्सर अकेले कुर्सी पर बैठे मिलते, हाथ में हमेशा सोटी रहती। अगली बार गई तो मैं भी एक और कुर्सी खींच उन्हीं के पास बैठ गई, अपना परिचय दिया, वे हां हूं करते रहे। मेरा चाय का समय हो गया है कहकर चलते बने। मैं और लोगों को मिलने चल दी। सब महिलाएं बात करने को आतुर थी, पुरुष दूर से खड़े देख रहे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों में ये फर्क प्रकृति की ही देन है। वापस आए तो लगा कि इन लोगों के जीवन में कितना अकेलापन है। इनसे बात करना ही शायद सबसे बड़ी सेवा थी। अब मेरा भी नियम बन गया, सप्ताह में एक बार कॉलेज से सीधा आश्रम पहुंच जाती और सबसे बातचीत करती। सबको मिलते मिलाते 2-3 घंटे लग ही जाते। उनका सुख दुख सुनती और थोड़ी इधर उधर की बातें करती। सबकी वही कहानी कि बच्चे इस उम्र में सहारा नहीं बने, सबकी छोटी छोटी जरूरतें, किसी को चूरन की गोली चाहिए, किसी को मोजे, किसी की चप्पल टूट गई और किसी को सफेद दुपट्टा चाहिए। यही कुछ पाके वो खुश हो जाते। मेरे साथ 4-6 लोग एक साथ भी बैठने लगे। सप्ताह में दूसरी बार मेरे साथ आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ टीचर भी जाने लगे।
धीरे धीरे कुछ और लोग भी जुड़ने लगे और हमने वहां सत्संग शुरू कर दिया। जानती थी कि उन्हें फल नहीं मिलते खाने को, कभी कोई दान में दे जाए तो मिल जाता था, प्रसाद में हम फल ले जाते। फलों की आशा में सब प्रसाद के समय हॉल में पहुंच ही जाते। सत्संग आरंभ करवा मैं पहुंच जाती सबको कमरे में बुलाने। चौधरी साहब चलिए ना, आपको अच्छा लगेगा, सब चल रहे हैं, मैं कहती। चलो मैं आता हूं। वो कह तो देते पर आते नहीं थे। मैं भी प्रसाद कमरे में पहुंचा आती, ना किसी से बोलते ना किसी से कुछ पूछते। दिन भर कमरे में बंद रहते या फिर सोटी पकड़ बरामदे में चहलकदमी किया करते। चुपचाप भोजन करते और फिर कमरे में जा कुछ पढ़ने बैठ जाते। मौनव्रती चौधरी साहब को सबका सम्मान प्राप्त था। एक दिन बातों बातों में पूछ बैठी, अंकल आपको परिवार की याद नहीं आती क्या? परिवार तो होगा आपका भी। बोले तुम बैठो मैं आता हूं। फिर एक कागज लाकर मुझे थमा दिया। ब्रटेन रसेल की लिखी कुछ पंक्तियां थी। जीवन तब दुर्भय उठता है जब तुम जिन्हें बहुत प्यार करते हो वह सहसा तुम्हारी पकड़ से बहुत दूर चले जाते हैं। तुम समझ जाते हो कि अब उनके जीवन में तुम्हारा स्थान प्रथम नहीं रहा, तुम्हारा दर्जा दोयम हो गया है। साहस से इसका सामना करो, स्वयं अपने मोह से मुक्ति पाने की कोशिश करो। इससे मन भी नहीं टूटेगा और शरीर भी नहीं, तुम स्वयं छाया मात्र रह जाओगे। स्वयं अपने लिए ही एक अजनबी, किंतु इसका एक लाभ भी है, तुम्हारा अतीत सदा जीवित रहेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आश्रम में मुझे कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा, पर ये पंक्तियां पढ़ चौधरी साहब को जानने में आसानी हो गई। अब मुझे देख मुस्कुरा देते थे, थोड़ी देर पास बैठते और बात भी कर लेते। अब तो सत्संग में भी बैठना शुरू हो गए थे। एक दिन बात बात में उन्होंने एक शेर सुनाया। आपने लिखा है क्या अंकल? हाँ लिखा तो मैंने ही है, वह हंसकर बोले। पहले तो बहुत लिखा करता था, सुनाता था, पर अब कहाँ लिख पाता हूं। उनके व्यक्तित्व का एक और आयाम सामने आया। आश्रम में अधिकतर लोग अनपढ़ थे या फिर कम पढ़े लिखे, किसके साथ साझा करते आखिर। अगली बार मिले तो बोले घर जाने से पहले मेरे कमरे में आना। जब मैं उनके पास पहुंची तो बोले मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूं, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हर महीने हमें 125 रुपए मिलते हैं, मैं सुबह शाम धूप बत्ती करता हूं, सब उसी में समाप्त हो जाते हैं। अभी मेरे पास अगरबत्ती के 2 पैकेट हैं, एक तुम रख लो मेरी तरफ से। मेरी जिंदगी का एक नायाब तोहफा था ये। मैं रूंधी आवाज में इतना ही बोल पाई, अंकल आपका दिया तोहफा तो मेरे लिए आशीर्वाद है। अभी तो मेरे पास है घर पर, थोड़ी सी रख लेती हूँ। कहकर मैंने आधा दर्जन अगरबत्तियां अपने पर्स में रख ली और चौधरी साहब खुश हो गए। लौटते हुए मैं बहुत भावुक हो गई थी। इतना कम होते हुए भी कुछ देने की इच्छा रखते और दूसरी तरफ जहां भगवान का दिया सब कुछ है वहां देने की इच्छा ही नहीं है। चौधरी साहब के साथ अब मेरी दोस्ती हो गई थी। अब आश्रम के अधिकतर लोग सत्संग में बैठना शुरू हो गए थे और कुछ तो बहुत मन से भजन भी गाते थे। सत्संग समाप्त कर हम बाकी लोगों को भी कुछ ना कुछ सुनाने को कहते, कोई कविता, कोई शायरी, कोई चुटकुला या फिर जीवन का कोई अनुभव।
चौधरी साहब अपनी डायरी लेकर आते और हर बार कुछ सुनाते। अब सब हमारा इंतजार करते थे। एक रिश्ता सा बन गया था हम सबके बीच। एक दिन मैंने चौधरी साहब से पूछ ही लिया, आप तो खूब किताबें पढ़ते हैं, आपको ये शौक कब से है आखिर? नहीं नहीं, बस ऐसे ही, अब तो पढ़ा ही नहीं जाता, थक जाता हूं, वो बोले। मैं भी कहां छोड़ने वाली थी, आपको तो पढ़ने का शौक है, ब्रटन रसल हर कोई तो नहीं पढ़ता, डबल एमए किया हुआ है, वे भी आजादी से पहले, नेहरू और जिन्ना के साथ काम भी करता था आजादी की लड़ाई में, उनका सहज सा उत्तर था। मैं निशब्द रह गई। जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है, कहां देश के सर्वोच्च नेताओं के साथ काम और कहां इस छोटे से आश्रम में गुमनाम जिंदगी। चौधरी साहब की भी आम सी कहानी थी। दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में 3 मंजिला घर था, जहां अब उनके 3 बेटे रह रहे थे। पत्नी संसार छोड़ गई तो बेटों के लिए पिता एक बोझ बन गए। चंडीगढ़ में बेटी थी सो यहां आ गए। दामाद चीफ इंजीनियर था, बेटी की भी कोई मजबूरी रही होगी जो यहां छोड़ गई। साल में 2-1 बार आ जाती है मिलने। पिता भी घर आई बेटी की हथेली पर 50 रुपए धर देते हैं। एक दिन सुबह सुबह फोन बजा। मैं कॉलेज के लिए निकल ही रही थी, आश्रम के सेवादार का था। मैडम, मैडम चौधरी साहब रात को गिर गए, अस्पताल में है, उनकी बेटी आ गई है। चलो मैं भी आती हूँ शाम को, मैंने कहा। मैडम आप अभी आ जाओ, उनकी बेटी ने बहुत हंगामा किया हुआ है कि हम उनके पिता का ध्यान ही नहीं रखते, मैनेजर साहब भी बहुत परेशान हैं। चलो आप उनकी बेटी से बात ही कर लो, कहकर उसने फोन उस भद्र महिला को पकड़ा दिया। सच में काफी नाराज थी वो। मैंने उससे आराम से कहा, आप परेशान ना हो, जब तक चौधरी साहब अस्पताल में हैं, आप खुद उनके पास रुकें, आपके पिता हैं आखिर, जन्म दिया है आपको, आपको तसल्ली भी रहेगी और पिता भी बहुत खुश हो जाएंगे। कुछ खर्चा कर आप हेल्पर भी रख सकती हैं। वह अब कुछ शांत और चुप सी थी। देखती हूं, कह उन्होंने फोन रख दिया। मैं कॉलेज से सीधा अस्पताल पहुंची। सेवादार ने बताया कि उनकी बेटी तो बिना कुछ बताए ही गायब हो गई। किसके पिता और किसकी बेटी। 2 रोज बाद चौधरी साहब वापस आ गए, मन में एक नया जख्म लिए। उसके बाद वो ठीक ही नहीं हो पाए। अगली बार जब उनके कमरे में जाने लगी तो 3-4 वृद्धाओं ने मुझे आवाज देकर रोक दिया और मेरे पास आकर बोली, तुम अंदर बिल्कुल नहीं जाओगी, चौधरी साहब को टीबी हो गई है, छूत की बीमारी है और तुम्हारी छोटी सी बेटी है घर पर। नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, मेरे अपने पिता होते तो भी तो मैं जाती ना, कहकर मैं अंदर चली गई। चुपचाप लेटे थे वो, मुझे देखकर उनकी आंखें भर आई। मैंने भी खामोशी से उनका हाथ थाम लिया, कुछ कहने को था ही नहीं मेरे पास। कुछ देर बाद बोले, देर हो गई है, अब तुम जाओ, और मैं चुपचाप घर लौट आई। मन बेहद बेचैन था, रह रहकर चौधरी साहब का ख्याल आ जाता। अगले दिन ही मैनेजर का फोन आ गया, मैडम चौधरी साहब अब नहीं रहे, संस्कार करवाना है। उनकी बेटी को बताया क्या, मैं पूछ बैठी।
आपको लगता है कि वो कुछ करेगी? उसका सवाल था। करे या ना करे, आपका फर्ज है बताना। शायद मुझे अभी भी उम्मीद थी। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया कि उनकी बेटी और दामाद उन्हें घर ले गए और शाम को संस्कार है। मैंने हाथ जोड़ ईश्वर का धन्यवाद किया। आखिर घर और परिवार नसीब हो ही गया चौधरी साहब को। शाम को मैं पहुंच गई उनकी अंतिम यात्रा में। आश्रम के सब बुजुर्ग भी आए हुए थे। धूं धूं करती जलती उनकी चिता जैसे बस यही कह रही थी, कहानी तो कब से समाप्त थी, आज तो बस सांसें रुकी थी। तो ये थी घर वापसी, एक आंखों देखी कहानी, लेखिका अलका कांसरा की लेखनी से। अगली बार आपके सामने एक नई कहानी, एक नई आवाज लेकर फिर प्रस्तुत होंगे कथाकार में। आपकी कहानी, हमारी जबानी।